आपसे और भी लेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बता देते हैं उस जेल वैन के बारे में जिसमें अतीक अहमद को प्रयागराज इस वक्त ले जाया जा रहा है। वो काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपी पुलिस की मॉडर्न प्रिजन वैन में सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम है। इसके बारे में और भी जानकारी देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो इस वैन के बारे में आपको बताया, वायरलेस जीपीएस सिस्टम इस वैन के अंदर लगा हुआ है जिसमें इस वक्त अतीक अहमद मौजूद है, जिसका काफिला आगे बढ़ रहा है। कैदियों के बैठने की जगह जो है वो इसमें होती है, इसकी व्यवस्था होती है। सुरक्षा कर्मियों के भी साथ में बैठने की जगह होती है, यानी कि किसी भी रूप में जो कैदी उसमें बैठा हुआ है वो अकेला ना रहे, हमेशा वो सुरक्षा कर्मियों से घिरा रहे। इसके अलावा दो कॉर्नर पर सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर एहतियातन तौर पर इस वैन में लगे होते हैं। इसके अलावा आपको बताएं, ये जो लॉक है वो पासवर्ड से ही खुलता है। आप इस वैन में देख रहे होंगे ताला वहां पर लगा हुआ है। अब वो जो है उसमें एक पासकोड होता है, यानी कि कोई भी उसको खोल नहीं सकता। उसके लिए पासवर्ड आपको पता होना चाहिए अगर आपको उसका लॉक खोलना है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, ये वाहन, ये वैन जिसमें इस वक्त अतीक अहमद डरा हुआ सहमा हुआ मौजूद है, जिसका काफिला बस अब से थोड़ी देर में झांसी पहुंचने वाला है। इस वैन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वायरलेस जीपीएस सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें क्या कुछ और व्यवस्था होती है ये भी जान लीजिए। कैदियों के बैठने की जगह इसमें होती है। जरूर इसमें अतीक अहमद को इस वक्त ले जाया जा रहा है, लेकिन अगर और भी ज्यादा, यानी कि अगर दो या तीन लोगों को भी साथ में लेकर जाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, तो इतनी व्यवस्था, इतनी जगह वहां पर होती है कि कैदी वहां पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों से हमेशा वो कैदी घिरे रहते हैं। 90 के दशक में जो अपने आप को सबसे बड़ा माफिया कहता था, 90 के दशक में जिसके नाम से लोग कांपा करते थे, आज वो दौर आ गया है कि वो उत्तर प्रदेश आने से कांप रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे अतीक अहमद का काफिला जैसे जैसे आगे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, उसकी चिंता और बढ़ती जा रही है कि यहां आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पिछला कुछ ऐसा ही हुआ था। और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। आतंक के अंत की शुरुआत खुदा तो नहीं, लेकिन खुद को खुदा से कम नहीं समझता था माफिया अतीक अहमद। लेकिन आज देखिए आतंक का आका अतीक अहमद कैसे कांप रहा है। आपको इनका प्रोग्राम मालूम है? क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? गुजरात की साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक का सफर अतीक पर बहुत भारी पड़ रहा है। 33 घंटे में 1300 किलोमीटर का सफर। अतीक को ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उसके हर गुनाह का हिसाब मांगा जा रहा हो। यूपी पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि माफिया अतीक अहमद और गुर्गों की एक गलती बहुत भारी साबित होगी। अगर वो सरेंडर कर देता है, सामने आ जाता है, तख्तियां लेकर भी लोग आ जाते हैं, उनको तो पुलिस नहीं गोली मारती, लेकिन पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई यह है कि गोली का जवाब हम गोली से ही देते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए बाहुबली अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ से खौफ नहीं है, असल में अतीक को डरा रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी का वो दहाड़ता बयान जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी का यही मिट्टी वाला बयान अतीक को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पता नहीं साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक के सफर में क्या हो जाए। डीजीपी साहब से भी पूछा, उन्होंने बोला यहाँ पर इस प्रदेश में पुलिस की गाड़ी मजबूत है, वो पलटती नहीं, अपराधी पलटता है। अगर कुछ ऐसे गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, उसको एक बार सिहरन हो जाती है और जानता है कि अगर कहीं से भी उनके जानकारी में आ गया तो न हमें पुलिस छोड़ेगी, न हमें प्रशासन छोड़ेगा, आपको कानून का जो अंतिम रास्ता है वहां तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। अतीक अहमद करीब 4 साल से साबरमती की जेल में बंद है। अब प्रयागराज में उससे उमेश पाल हत्याकांड के एक एक गुनाह को पूछा जाएगा। उमेश पाल की हत्या में शामिल 13 शूटरों में से एक की एनकाउंटर में मौत भी हुई है, जो अतीक का ही गुर्गा है। अतीक के दो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है। अतीक के कई ठिकानों पर बुलडोजर चल चुका है। और कई ठिकानों पर बुलडोजर चलना बाकी।
कि माफिया कोई भी हो, सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीमा चोरी दोनों नहीं चल सकता।